साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। पोर्टफोलियो बनाना शायद आसान होता है, लेकिन ठीक ढंग से बनाना और ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो आपको फायदा दे वो जरूर एक मुश्किल काम है। तो किन बातों को ध्यान में रखकर कि आपको निवेश करना चाहिए, पोर्टफोलियो में किन बातों पर फोकस करें, इसके अलावा वो कब समय आता है जब पोर्टफोलियो रिव्यू करना भी जरूरी होता है, इन तमाम चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। शॉर्ट में बताऊं तो आपका पूरा पोर्टफोलियो आज हम बनाने वाले हैं मनी गुरु में। और हमारे साथ शो में मौजूद है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर किरण देसाई। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू। पोर्टफोलियो जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि बना तो लेते हैं लोग, लेकिन उसमें किन चीजों का ख्याल रखना है और बनाते समय जहन में आपके क्या चीजें होनी चाहिए, ये शायद लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो अभी फिलहाल पोर्टफोलियो बना चुके हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ चुके हैं, निवेश लगातार कर रहे हैं, SIP लगातार कर रहे हैं, उन सब के लिए पहला सवाल मेरा ये है कि क्या उन्हें रिव्यू करने की जरूरत है अपना पोर्टफोलियो, कब रिव्यू किया जाए बताइए। पोर्टफोलियो रिव्यू करने की आवश्यकता तो एकदम अहम होती है, और पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए मैं छोटे छोटे समझो कि 3-4 सवाल आपके सामने रखूँ ना, तो उसके सवाल छोटे हैं लेकिन मायने बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि पोर्टफोलियो क्यों रिव्यू करना चाहिए, पोर्टफोलियो कब रिव्यू करना चाहिए और पोर्टफोलियो कैसे रिव्यू करना चाहिए। तो अगर आप मेरे को इजाजत दे तो मैं थोड़ा विस्तार से ये तीनों सवाल के जवाब देना चाहूंगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल सर, बताइए। निवेशक को कोई भी आम निवेशक को मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। पहली बात कि पोर्टफोलियो क्यों रिव्यू करना चाहिए, तो कि पोर्टफोलियो रिव्यू इसलिए करना चाहिए कि हमने जो इंटेंशन से जो गोल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो गोल अपना बरोबर तरीके से इन्वेस्टमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखना आवश्यक हो जाता है। तो वो हिसाब से क्यों का जवाब ये होता है। बाद में इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपना इन्वेस्टमेंट, वो भी देख सकते हैं। और कब करना चाहिए, तो आम तरीके से थियोरेटिकली पब्लिक ये समझती है, कोई भी आम निवेशक ये समझता है कि हर 6 महीने 1 साल में पोर्टफोलियो रिव्यू करे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये थियोरेटिकली राइट है कि आप 6 महीने में या 1 साल में पोर्टफोलियो रिव्यू करो, लेकिन पोर्टफोलियो तब रिव्यू करना चाहिए जब मेरे हिसाब से फॉर एग्जाम्पल सेंसेक्स 1500 पॉइंट ऊपर जाता है या नीचे उतरता है, तब रिव्यू करेंगे ना तो पोर्टफोलियो रिव्यूअल विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट्स। उसका जो भी रिव्यू होएगा ना वो आपको बहुत अच्छी तरीके से फायदे करा सकता है। समझिए कि इंडेक्स 1500 पॉइंट ऊपर चला गया है तो आपको कौन सा फंड में से या तो कौन सी इक्विटीज में से एग्जिट करना है या प्रॉफिट बुकिंग करना है वो आप कर सकेंगे। अगर समझिए कि 1500 पॉइंट नीचे उतर गया है तो आप कौन से फंड में और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लमसम, या तो कौन सी नई SIP चालू कर सकते हैं वो कॉल ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 6 महीने 1 साल की बजाय जब भी मार्केट 1500। और तीसरा फैक्टर ये है कि कोई बड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक या सोशल या तो पॉलिटिकल चेंज होता है ना, तभी भी रिव्यू करो। मैं एक बड़ा सा एग्जांपल दूं कि आज हम जहां बैठे हैं फरवरी महीने में, वहां पॉलिटिकल चेंजेस की एक बहुत बड़ा इवेंट है इलेक्शन का, जैसा आपने कहा पॉलिटिकल चेंज भी अगर होने वाला है तो वो वक्त रहता है रिव्यू करने का पोर्टफोलियो के। तो अभी आप लोगों को सजेस्ट करेंगे क्या कि आगे आने वाले वक्त में इलेक्शन है तो अभी से ही आप रिव्यू कीजिए अपने पोर्टफोलियो को। आज अभी जो समझो कि आपने रिव्यू कर लिया तो 6 महीने के बाद आपके सामने क्लियर पिक्चर आएगा कि कौन सी गवर्नमेंट है फॉर एग्जांपल, तो उसके हिसाब से सेकंड रिव्यूअल आप तभी भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एसेंशियल स्टेप कि आज रिव्यू कर लो अपना पोर्टफोलियो, अपने प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठो और रिव्यू कर लो, तो 6 महीने के बाद यू विल हैव अ मच बेटर पोर्टफोलियो इन योर हैंड विच विल गिव यू परफेक्ट गोल सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल, तो मार्केट के ऊपर नजर बनाए रखना भी आपको बहुत जरूरी है। जैसा किरण जी ने अभी बताया भी कि 1500 पॉइंट ऊपर नीचे अगर सेंसेक्स करता है और आपको लगता है कि कुछ तब्दीली है तो पोर्टफोलियो रिव्यू करें और अपने फंड्स के ऊपर हमेशा नजर बना करके रखें। इसके अलावा सर महंगाई दर का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम हमेशा अपने जो व्यूवर्स हैं उन्हें कहते हैं कि जब आप गोल भी बनाते हैं तो महंगाई दर का जरूर ख्याल रखें। तो मुझे जरा ये बताएं कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव लेकर के अगर मैं चल रही हूँ कितना % इसमें इन्फ्लेशन रेट को मैं जोड़ूं।
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप ले रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से समझिए कि महंगाई दर आज की तारीख में 6% के आसपास है, लेकिन ये 6% जो दर है वो गवर्नमेंट का डिक्लेयर किया हुआ महंगाई दर है। ऐसे देखने जाए तो आम आदमी तो तकरीबन 10% महंगाई दर ही फेस करता होगा। अपनी बस की टिकट वो देखेगा तो कभी भी कम नहीं हुई है, वो बढ़ती ही गई है। टैक्सी का भाड़ा बढ़ता ही गया है, आम आदमी के लिए आलू प्याज का भाव बढ़ता ही रहता है। तो मेरे हिसाब से खुद को 8-10% का एप्रिसिएशन पकड़ के चलना चाहिए। ईयर ऑन ईयर अगर वो अपना कैपिटल 8-10% नहीं बढ़ा रहा है तो ही हैज़ टू रिव्यू हिज पोर्टफोलियो, ही हैज़ टू स्ट्रीमलाइन हिज इन्वेस्टमेंट्स इन सच अ वे कि मिनिमम 8% तो वो कैपिटल ग्रोथ कर ही सके। बिल्कुल। और पोर्टफोलियो में अगर मैं फंड्स की बात करूं, कुछ लोगों का क्रश होता है किसी एक ही फंड के ऊपर, अगर कभी पहले उन्हें अच्छा फायदा दे देता है वो फंड तो वो उसी से जुड़े हुए, उसी फंड हाउस से जुड़े हुए बाकी फंड्स भी ले लेते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। कई बार हमने देखा है कि किसी एक ही फंड हाउस का फंड उनके पास 3-4 रहता है, इक्विटी में भी उसी में निवेश करेंगे, डेट में भी करेंगे। तो जरा ये बताएं कि जो पोर्टफोलियो की विविधता है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाए तो क्या सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर रखें? यस, आपने बहुत सही सवाल किया है। आप जो कह रही है वो एसेट एलोकेशन, अभी एक ही फंड हाउस में वो अगर 3-3 डिफरेंट टाइप की स्कीम लेता है तो वो देखना चाहिए कि वो सेम टाइप की स्कीम ना ले, लेकिन अलग अलग प्रकार की स्कीम ले रहा है वो। उदाहरण के तौर पे वो एक लार्ज कैप स्कीम ले रहा है तो दूसरा मल्टी कैप होना चाहिए, तीसरा शायद डेट फंड में कोई होना चाहिए, तो उसका एसेट एलोकेशन भी बराबर हो सकता है। और रेगुलर इनकम इनफ्लो भी जो उसको चाहिए तो डेट फंड में से भी वो ले सकता है, बैलेंस फंड जैसा है तो मंथली इनकम, क्वार्टरली इनकम, डिविडेंड पे आउट भी ले सकता है। तो एक ही फंड हाउस में रखने का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन उसको स्कीम की टाइप अलग अलग रखनी चाहिए। और क्या एसेट एलोकेशन इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि हर एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट, उनकी रिस्क की क्षमता अलग अलग होती है। अगर 30s, 40s और 50s के लोगों की मैं बात करूं तो उनके पोर्टफोलियो के फंड्स और उनका सिलेक्शन अलग अलग होना चाहिए। क्या एसेट एलोकेशन आपको अपनी एज के हिसाब से करना चाहिए? यस, एसेट एलोकेशन अपनी एज के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जितना निवेशक यंग होएगा तो वो एग्रेसिव कॉल ले सकता है, और निवेशक जितना रिटायरमेंट की ओर जा रहा है, 50 साल का हो गया है, 55 साल का हो गया है, तो वो कंजर्वेटिव मोड पे चला जाएगा। सो पोर्टफोलियो रिव्यूअल के टाइम आप अपना रिस्क एपेटाइट देखें, आप अपनी उम्र और फैमिली की टोटल एवरेज एज क्या है वो देखें, और वो हिसाब से अपनी इनकम के हिसाब से भी सब पोर्टफोलियो में इंक्लूड करके वो हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। और बाद में रिव्यूअल के टाइम वो उसका स्टडी भी रखे कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो पोर्टफोलियो रिव्यूअल में पोर्टफोलियो बैलेंसिंग भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है तो थोड़ा कंजर्वेटिव मोड पे भी उसको आना आवश्यक है। अच्छा, अब किरण जी मुझे एक बात और बताएं कि फंड्स की खुद से स्टडी करना, रिसर्च करना, ये कितना जरूरी है? चाहे भले आप किसी प्लानर की मदद ले रहे हैं, लेकिन खुद आप कितना रिसर्च करें अपने फंड्स के बारे में, थोड़ा इसके ऊपर बताएं। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि लोग हिस्टोरिकल जो डेटा रहता है उनके फंड का, जहां वो निवेश करना चाहते हैं वो देख लेते हैं, अगर पास्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है उनके फंड में तो आगे भी करेगा, ऐसा सोच करके निवेश कर देते हैं, कभी कोई सलाहकार बोल देता है तो कर देते हैं। खुद की स्टडी, रिसर्च कितना जरूरी है? जरूरी तो बहुत ही है, लेकिन पहले मैं एक डिस्क्लेमर पॉइंट सब निवेशक को दे दूं कि कभी भी फंड के लिए आप कोई भी डिसीजंस लेते हैं ना, तो डोंट रिलाय ऑन योर बैंकर, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो कोई भी कजिन, रिलेटिव, नेबर, किसी के ऊपर रिलाय मत करो। काइंडली ट्राई टू अप्रोच अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर। ओनली रीजन, समझ, कितने सारे लोग गलती कर देते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाके अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ टैक्स कंसल्टेंट, नॉट अ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। सो पहली चीज ये कि खुद की स्टडी थोड़ी तो रखो। अगर आप साइंस लाइन के प्रोफेशनल है तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके पास कॉमर्स लाइन यानी कि फाइनेंस लाइन का नॉलेज शायद कम होएगा, कोई डॉक्टर के पास फाइनेंशियल लाइन का नॉलेज कम होएगा। तो ही हैज़ टू अप्रोच अ प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल प्लानर
फॉर हिज ओन गाइडेंस. अगर वो खुद स्टडी नहीं कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर को फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस, ये वो बाउंसर जाएगा, तो उसको फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठना ही चाहिए. और ऐसे भी आम निवेशक जो बाजार में रोज का रोज, समझिए कि कोई कैपिटल मार्केट आर्टिकल पढ़ता है, या तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता है, या तो जी बिजनेस देखता है, नॉलेज होता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानर उसको जो इनसाइट देगा ना, वो बहुत बढ़िया रहेगी. वो अपना गोल पे फास्ट जा सकेगा, वो अपना प्लानिंग जो भी है वो ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक कर सकेगा. सो मेरे हिसाब से उसको फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेनी ही चाहिए, बजाय खुद के ऊपर जो स्टडी करता है वो साथ में साइड में रखने का. इसके अलावा ज्यादातर लोग मार्केट के बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने से घबरा भी जाते हैं. कुछ वक्त तक अगर फंड ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया तो उनको लगता है उनके पैसे डूब ना जाए. खास करके ये जो ट्रेंड है हमने पिछले एक डेढ़ साल में जरूर देखा है, जबकि ज्यादातर फंड्स में लोगों को उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो ऐसे वक्त में जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहे, अभी आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं जैसे हमने बात भी की, तो शायद उस वक्त भी मार्केट काफी वोलेटाइल रहे, तो ऐसे में लोग जो घबरा जाते हैं, उन लोगों के लिए, उन इन्वेस्टर के लिए, निवेशक के लिए आप क्या सलाह देंगे? शालिनी, मैं एक कहावत बोलूं आपके लिए. एक कहावत है मार्केट में, हाँ हाँ, कि ये मार्केट ने ना कभी किसी का हाथ पकड़ा है और ना कभी किसी का हाथ छोड़ा है. तो मार्केट में कुछ भी होता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर मार्केट ने समझो कि 23,000 से 38,000 का जो कवर किया है इंडेक्स, वो बहुत शॉर्ट टर्म में किया, तो कोई इतने करोड़पति भी नहीं हो गए हैं. और मार्केट जब भी डाउन हुआ है तो कोई करोड़पति भी नहीं हो गए हैं. तो मार्केट जब भी टूटता है ना, तो प्लीज़ घबराइए नहीं, मार्केट आपका हाथ छोड़ेगा नहीं. शायद ये 6 महीना 1 साल आपके लिए ख़राब होएगा, लेकिन आप अपनी SIP कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लो मार्केट में आप ज़्यादा यूनिट ले सकेंगे. लो मार्केट में आप एवरेजिंग बरोबर कर सकेंगे SIP के मोड से. तो मेरे हिसाब से लो मार्केट में प्लीज डोंट गेट पैनिक. आप इतनी अच्छी, कोई निवेशक जिंदगी जी रहा है, बीच में कभी कभी बुखार भी आता है, तो ऐसा समझो कि मार्केट को बुखार आया है. तो मेरे हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है. हाँ, ये फेज थोड़ा लंबा चल रहा है, 6 महीने 1 साल की जगह किसी को लगता है कि ये 1.5 साल का हो जाएगा, लेकिन मार्केट हाथ नहीं छोड़ेगा आपका, और पकड़ के रखिए. इलेक्शन के बाद सुधरने की संभावना बहुत ही है. पोर्टफोलियो आपका आज हम बना रहे हैं, तमाम टिप्स हम आपको दे रहे हैं किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करें और फायदा देने वाला बनाएं. किरण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और फिलहाल सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं शो में, तो उनका मैं रुख कर लेती हूँ. जितेंद्र गुप्ता ने हमें फोन किया पश्चिम बंगाल से. बहुत स्वागत है जितेंद्र जी मनी गुरु में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. हेलो जी, बताएं जितेंद्र जी. आवाज अगर आप तक पहुंची है जितेंद्र जी, तो अपना सवाल बता दीजिए. हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ELSS फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मैंने लिया है, तो उसमें क्या अधिकतम कितने वर्ष के लिए उस फंड को रखा जा सकता है? हेलो. ठीक है जितेंद्र जी, आपको सलाह देंगे. और इसके अलावा किरण जी, सवाल जितेंद्र जी का आपने सुन लिया. इन्होंने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा भी था, कुछ इनके लक्ष्य हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है कि इन्हें 5 साल में 10 लाख रुपए चाहिए, कुछ और इनके लक्ष्य भी हैं, तो इनका पूरा पोर्टफोलियो देख करके आप क्या सलाह देंगे इनको? जितेंद्र जी, पहली बात, आपका सवाल था कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, तो वो ELSS फंड है, टैक्स सेविंग फंड है, और कितने साल के लिए रख सकते हैं? तो 3 साल तो लॉक इन रहेगा, और लॉक इन के बाद वो फ्री हो जाता है, और आप चाहे उतने तब तक अवधि के लिए उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं. तो फर्स्ट 3 ईयर्स लॉक इन गिन के चलिए, और बाद में जितना भी चाहे उतना रख सकते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मिंग फंड. तो मेरा सुझाव ये है कि कंटिन्यू करिए वो फंड में. और अगर आपको जो भी आपका लक्ष्य था कि 5 साल में आपको जो भी 10 लाख चाहिए, 12 साल में आपको 20 लाख चाहिए, तो उसके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि 5 साल के लिए आप तकरीबन 8,000 रुपये की SIP बनाइए, 12 साल के लिए आप 12,000 की SIP बनाइए, 20 साल के लिए 20,000 की SIP बनाइए. तकरीबन आपको 50,000 से 55,000 अगर प्रति माह रखेंगे, तो आपके जो भी लक्ष्य है पहुंचने के लिए 20 साल तक स्टैगरिंग मोड में आपने बताया है,
तो 5 साल, 12 साल, 15 साल और 20 साल, तो ये हिसाब से आप SIP बनाइए तो पहुंच जाएंगे आप अपने लक्ष्य के ऊपर। ऑलराइट जितेंद्र जी, तो आपके सवाल का जवाब भी मिल गया और जिस स्ट्रेटजी को अपनाने की बात यहाँ पर कही है किरण जी ने, उसे आप अपनाइए तो जरूर आपको आगे फायदा भी मिलेगा। एक मेल में शामिल करूंगी यहाँ पर सर हमारे शो में, उमंग गुप्ता ने हमें मेल भेजा है, ये लिख रहे हैं कि फिलहाल 7 फंड्स इनके पास है और 12,000 रुपए की SIP हर महीने कर रहे हैं। फंड वैल्यू जो अभी इनकी करंट है वो है 2,07,000 रुपए, क्या इन्हें फंड्स में बदलाव करना चाहिए? और फंड्स जो इनके हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ABSL टैक्स रिलीफ 96, टाटा हाइब्रिड इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप और इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड इनके पास है। तो इनके फंड को, इनके पोर्टफोलियो को किस तरह से आप देखते हैं, अब क्या किसी फंड को हटाने की और जोड़ने की जरूरत है? उमंग जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि द सिलेक्शन ऑफ फंड इज ऑलमोस्ट राइट एंड दे आर बेटर फंड्स ऑफ द इंडस्ट्री, लेकिन अगर पैसा निवेश कर रहे हैं और अगर सेम अमाउंट में समझिए कि 1 या 2% भी ज़्यादा मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से मैं क्या सुझाव दूंगा कि टाटा हाइब्रिड फंड और इन्वेस्को मल्टी कैप में से एग्जिट लीजिए और ट्राई टू इंक्लूड ICICI हाइब्रिड फंड एंड कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, बिकॉज दे आर बेटर परफॉर्मिंग फंड्स एज कम्पेयर टू अदर टू फंड्स। सो मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये दो ही फंड आप स्विच करिए और आपको जो टारगेट बनाने का है 50 लाख रुपए का, तो उसके लिए मैं सुझाव ये दूंगा कि तकरीबन आप 12,000 से 15,000 की नई SIP चालू कीजिए और नई SIP 15 साल के लिए रखिए, तो आपका जो 50 लाख का टारगेट है वो आ सकता है। बिल्कुल। और एक और मेल हमारे पास आई है किरण जी, रमेश रेड्डी हैं जिन्होंने हमें मेल किया है, इनका कहना है कि 4 फंड्स में 9,000 रुपए का फिलहाल ये निवेश कर रहे हैं। IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड में एक मुश्त इन्होंने 25,000 का निवेश किया है, कुछ इन्होंने अपने गोल बताए हैं जैसे कि बेटे की पढ़ाई और नए घर के लिए, अगले 15 साल में 2 करोड़ रुपए की इन्हें जरूरत पड़ने वाली है, कार खरीदना चाहते हैं और इसके लिए 5 साल में 20 लाख रुपए इन्हें चाहिए, क्या फंड में बदलाव की जरूरत है? पोर्टफोलियो आपके पास भी है रमेश जी का, तो किस तरह से इनके पोर्टफोलियो का आप देख रहे हैं? शालिनी, रमेश जी का जो पोर्टफोलियो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ही इज़ अ वेरी एग्रेसिव गाय, क्योंकि एंड ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट मार्केट वॉलेटिलिटी ऑल्सो, क्योंकि उसका ज़्यादातर पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में ही उसने एक्सपोज करके रखा है। सो नो डाउट कि उसका सब पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्मिंग फंड्स ऑफ द इंडस्ट्री है, ऐसा भी नहीं है कि ABSL में टॉप फंड लिया है उसने, इंडस्ट्री के बेटर परफॉर्मिंग फंड्स है। सो आई वुड सजेस्ट टू हिम कि ही कैन कंटिन्यू विद दिस फंड्स, लेकिन उसके गोल को जो अचीव करने का है तो उसके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि तकरीबन 35,000 से 40,000 की अगर वो नई SIP करे तो गोल अचीव हो सकता है, लेकिन उनको ख्याल में ये रखना चाहिए कि 35-40 हज़ार की जो भी SIP चालू करेंगे ना, अभी वो इतना एग्रेसिव ना हो, क्योंकि एग्रेसिव ऑलरेडी पहले से है, तो थोड़ा बहुत बैलेंस्ड और थोड़ा बहुत लार्ज कैप में भी एक्सपोजर ले। एंड फॉर दैट पर्पज आई विल सजेस्ट टू हिम के एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, मीरा एसेट ब्लू चिप फंड है, HDFC टॉप 200 फंड है, तो ऐसे सारे फंड लेंगे ना तो उनका पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन की दृष्टि से भी बरोबर बैलेंस्ड हो जाएगा और उनके गोल अचीव करने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये जो भी नई SIP कोई भी निवेशक चालू करते हैं ना, तो उनके लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि SIP अपने गोल के लिए चालू करें तो उसके अंडरलाइन जो भी फंड्स होते हैं ना, आप कृपया करके वो फंड्स को कभी भी छुए नहीं, कितनी भी आवश्यकता आ जाए, क्योंकि आप अगर बाय चांस कोई आवश्यकता आ गई और 2 साल 5 साल 3 साल के बाद फंड थोड़ा बहुत भी रिडीम करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचने में टाइम लगा देंगे। आपने 10 या 15 साल का जो भी गोल रखा है तो वो लंबा हो जाएगा। सो अंडरलाइंग फंड्स को भी आप कभी छुओ नहीं, ये मेरी सलाह रहेगी। हाँ, कोई आवश्यकता आती है तो उठा सकते हैं, लेकिन वापस पैसा रिफिल कर देना चाहिए वही फंड में।
क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, और यही वजह है कि फंड में बीच में पैसा नहीं निकालना चाहिए. किरण जी, अगर मैं यहाँ पर प्लानर की बात करूँ, सलाहकार की बात करूँ, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं. क्योंकि इंडिया में अक्सर ये देखा गया है कि तबियत खराब होने पर आप डॉक्टर के पास जरूर चले जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए आप टीचर के पास जरूर चले जाते हैं, लेकिन जब बात आती है आपके पैसों की, जिसे इतनी मेहनत करने के बाद आप कमाते हैं, उसे कहाँ इन्वेस्ट करें, आपका पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा, आगे भी बढ़ेगा, जब इसकी बारी आती है तो लोग खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, इसके लिए कभी भी किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाते हैं. तो क्या जरूरत है फाइनेंशियल प्लानर की, और किस तरह से जो वो आपको बता रहा है उसके ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए, और उनके पास ही इस फील्ड का ज्ञान है, वो एक्सपर्ट है, ये समझ करके आप पहुंचे, बताएं इसके बारे में भी. शालिनी जी, बहुत अच्छा सवाल है, और हर एक को, जैसे आपने बताया कि तबीयत खराब होती है डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को फीस भी देते हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2-5 हज़ार जो भी देते हैं, वैसे प्लानर के पास भी जाना चाहिए और प्लानर्स की फ़ी चुका के उसके पास से जो भी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वो ले सकते वो लेनी चाहिए. और एक फाइनेंशियल प्लानर हो सके तो कायम के तौर के ऊपर अपॉइंट करके ही रखना चाहिए, कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एवरी ईयर अपना रिटर्न भरता है, तो वैसे ही फाइनेंशियल प्लानर एवरी टाइम वो रिव्यूअल के टाइम अपने को हेल्प करेगा, ऑल मार्केट इनसाइट्स और वो सब देंगे, फाइनेंशियल प्लानर आपको देंगे. और ये रिव्यूअल के लिए जरा एपिसोड था, मैं थोड़े बहुत बुलेट पॉइंट्स भी नोट डाउन करके आया था कि फाइनेंशियल प्लानर आपको एसेट एलोकेशन में हेल्प करेगा, वो महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट में भी आपके साथ हेल्प में रहेगा. एसेट एलोकेशन के अलावा सब ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर फंड वो सब भी आपके ख्याल में रखेगा. बिल्कुल, और तो वो अपना फायदा नहीं देखेगा, क्योंकि एजेंट से अगर आप राय लेते हैं तो वो आपको कई बार गलत इन्फॉर्मेशन देता है, कई बार मिससेलिंग का आपको शिकार होना पड़ता है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं तो इस तरह की दिक्कतें आपको नहीं होंगी. बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ आज शो में जुड़ने के लिए, और व्यूअर्स की जो क्वेरीज थी, उनके जो सवाल थे, उनका जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका. तो मनी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार.